हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। उठ तो मैं बहुत पहले गया था, उठ तो मैं 3:30 बजे ही गया था, बट आज कुछ शूट नहीं हुआ। सोचा था Q&A वीडियो शूट करूंगा, बट वो 3 बजे तक हो नहीं पाई। और अब कुछ है नहीं करने को, मतलब कुछ है ही नहीं डालने को आज का व्लॉग, बट तब भी हम कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, कंटेंट जरूर लाएंगे हम। कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, भरोसा है भाई पे, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अभी कुछ करने से पहले टाइम हो रहा है असर की नमाज का, तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं और फिर बाकी कुछ करते हैं। तो नमाज पढ़ लिया और अब देखते हैं क्या है करने को बाकी। ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहे हैं। इनकी जिंदगी में कुछ है नहीं, इनसे कुछ होगा भी नहीं, थोड़ा सा भी कुछ नहीं होगा तुमसे। देख इधर, KKR टट्टी KKR एकदम, कुछ नहीं करा इस टीम ने, कुछ भी नहीं करा, इतना सा कुछ नहीं करा, इतना सा। क्या बनना अम्मी, कुछ बनना नहीं ना, आज इफ्तारी का बनना। अरे वाह, आज हम बनाएंगे इफ्तारी, आज हम बनाएंगे। आप सिर्फ देखोगी और खड़ी रहोगी, मतलब सिर्फ एडवाइस बताओगी कि क्या करना है, बाकी सब हम खुद करेंगे। ठीक है ठीक है। हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय बोलो, अरे हाय बोलो यार व्लॉग में लोग। हाय और बाय। अरे हाय तो बोल दो। हाय बाय। हाय बोलो, सिर्फ हाय। हाय हाँ ठीक है। सुमल कैमरामैन ओपी आ जाओ, सुमल कैमरामैन। हाँ नमाज पढ़ के आ जा कैमरामैन ओपी। पढ़ ली मैंने नमाज। तो हमारे पास है ये आलू का भरता जिससे बनेंगी हमारी कचौड़ियाँ, और है यहाँ पे प्याज और आलू की पकौड़ी बनेंगी। तेल हो रहा है गरम, और हमारे पास और यहाँ पे अम्मी बना रही हैं, क्या है, चने, चने बन रहे हैं। और कुछ नहीं बनना, दही बनेंगे। और ये और ये हमारे पास दही और दही बनेगा, बाकी हमारे किचन को थोड़ा इग्नोर करने, वो तो गंदा ही रहता है, पता नहीं क्या। कोई गंदा नहीं, अरे रहने दे यार। तारक आ जाए, इफ्तारी बनाएंगे, चल हम नहीं आ रहे ना। अरे ओ भाई तू जा, अबे तू जा, टैग मार रहा हूं मैं तेरे, टैग में तुझका टैग मार दूंगा, आ जा। अबे आ इफ्तारी बनाएंगे, आ अम्मी का हाथ बटाएंगे। हां वो गया, इसे मैंने बता क्या दिया कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तेरे साथ, मुंह धोने आ गया पहले कि गोरा लगू व्लॉग में। तो मैं एक व्लॉग में कह ले तुम गोरे हो गया। गोरा होगा तू पहले, गोरा होगा KKR के सपोर्टर, इससे गंदी टीम नहीं मिली। तो एक गोरा ले, और ये ले साबुन लगा, साबुन मुंह पे, क्रीम लाके दो, क्रीम क्रीम लगा लियो, क्रीम। अच्छा यार दिमाग खराब करता है, तो मुंह धोने क्यों आया मेरा नेचुरल रॉ व्लॉग है, अभी अभी भी गोरा नहीं हुआ। बताओ ना, मैं कर रहा, मैं कर रहा, अरे मैं कर, मुझे आता है, इधर आ जा तू, सामने मेरा व्लॉग। तो अब हम इफ्तारी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अम्मी को हमने अलग कर दिया है कि आज हम इफ्तारी बनाएंगे। तारे ओए इधर आ चल, वाम मौज का था, मौज पता था हमें, तब भी पूछना, बस ब्लॉग में दिखाने के लिए पूरा डाल दिया। अब क्या करूं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो क्या गया, ज्यादा हो गया। अरे तो यार बताना था ना यार पहले पानी, तो भाई हमें पहले बताया नहीं पूरा पानी, अब मैंने पूरा डाल दी, भाई पहले बताना चाहिए था कि पूरा पानी नहीं डालना, मेरी गलती कोई नहीं है। लाओ अब खल, अब क्या करना है बताओ। उसमें तेल कर दिया उसका, अब उसमें थोड़ा ऐसे थोड़े थोड़े, फ्रेंच फ्राइज की तरह कैसे भी सही है इतना, और मिलो, अरे और कितना मिलेगा ये डाल दो। लेट मी शो यू, नहीं थैंक यू, तुम यहाँ सिर्फ खड़े होने के लिए हो, प्रॉप हो। तो अब ये पूरा हो चुका है, अब क्या करना है इसका, क्या करना है, तेल में इतने इतने हैं, बेटा आज देखना तुम्हें क्या खिलवाऊंगा खाना, एकदम तुम हाथ एकदम करते रह जाओगे।
मम्मी जो बोली जोर से बोली, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो ये इतना कलर सही है, निकाल दो, निकालो सुमित, दिखाओ इधर निकालते हुए। ये दिखाओ, इधर दिखाओ, ये खाली हो चुका है, मेरी तरफ देखो, अब मेरी तरफ देखो, ये खाली हो चुका है और सब आपके भाई ने खाली करा बिना डरे तेल से, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अम्मी से अच्छी बनी होगी, इस बात की तो शर्त लगा लो, तुमसे अच्छी बनी है, अच्छा। गारंटी है, अगर नहीं हो तो नाम बदल दूंगा अपना, नाम क्या रिकॉर्ड होना बेटा, तुमने तो मौज करवा दी, अब दिखाओ अपने बोलने से पागल, वो हल्दी नहीं है बेसन है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता तारे भाई, सेम ही है दोनों, कलर येलो है, पकौड़ी लगाओगे पकौड़ी भी येलो है, कुछ और लगाओगे ठीक है अम्मी, देखो बहुत है, अभी होने दो, देखो भाई कोई कितना भी गए, पकौड़ी मेरी अम्मी से अच्छी बन गई, बोलो हाँ या ना, ये देखिए आप कलर देखिए, आप पकौड़ियों का कलर देखिए, अम्मी तुमसे अच्छी बनी होंगी मेरी, शर्त लगा लो, लगा लो शर्त, जो कह रहा ठीक है, तुम कह दिया मैं चीटी वाली आऊंगा मैं बेला, अलग ही बात है, जो लोगों को भी समझ नहीं आ, अलग ही पता नहीं कहाँ कहाँ के मुहावरे मारेंगे मम्मी, कहाँ कहाँ के, किसी को समझ नहीं आएंगे व्लॉग में, किसी को किसी को समझ में नहीं आएंगे, बट की कोई जरूरत नहीं थी, बट सिर्फ क्यों मुझे व्लॉग में आना, तो ये शॉट डल रहा, वरना ये शॉट नहीं डलता, बंद कर ले, बंद कर ले, मैं व्लॉग में वैसे भी आता ही रहता हूँ, बंद कर ले, बिना व्लॉग के इधर दिखा ले यार, तो अब बन रही है हमारी फेवरेट फेवरेट नौशे की कचौड़ी, नौशे की सिर्फ हमने नाम दे दिया, पता नहीं ये हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी है इन कचौड़ियों से, जो हम जो मेरे साथ टूर पे गए होंगे 6th 7th और 9th तो नहीं 6th 7th पे, उनको सबको याद होगा कचौड़ियों से याद है, जिसे भी याद है वो कॉमेंट करके बताओ इन कचौड़ियों की याद है, फेल हो चुकी है पहली कचौड़ी, अम्मियारे फेल हो गई यार, ये डाल लो, क्या हुआ अयन भाई, अयन भाई क्या हुआ, अयन भाई क्या हुआ, बे कुछ नहीं हुआ यार, दूर रहे मुझसे, नहीं नहीं बताइए भाई क्या हुआ, अभी आप क्यों चले, नहीं तो अम्मी की नहीं फूलती है कचौड़ियां जितनी मेरी फूल रही है, अरे तुम यार दिखाओ, मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ मैं ज्यादा अच्छी बनाऊ, इस बात की अम्मी शर्त लगा लो, क्या कौन सा डिब्बा उतार दो, कौन सा ये लो, तो अपना काम था कचौड़ी पकौड़ी बनाने का वो हो चुका है, और हमारा हाल थोड़ा हाथ वाथ गंदे हो चुके हैं, बाकी सच बोलो तो मेरी कचौड़ी लिख के दे रहा हूँ, लिख के अम्मी कसम से बता रहा हूँ मेरी ज्यादा अच्छी बनी है, मान लो यार, तुम खुद बताओ बनी है या ना, देख के बताओ, इतनी फूली थी तुम्हारी कचौड़ी, तुम हाँ या ना बताओ ना, भाई किसी से कम है क्या, अपना काम था कचौड़ी पकौड़ी बनाने का, वो अपने ने बना लिए, बाकी सब
बाकी जो थोड़ा मोटा काम है वो कर लेंगे। अब अपना काम है खाने का। पच्चीसवें रोजे के दस्तरखान से आप तारुफ कर लिए, क्योंकि इस बार और खास, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने बनाई हैं अपने हाथों से बनाई है मैंने। किससे बनाई है? अपने हाथों से। मेरे पास हैं कचौड़ियां, पकौड़ियां जो बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, और वो और ज्यादा अच्छी दिख रही हैं, बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही हैं। और है अपने पास तरबूज, और है अपने पास रमाज जो कल के बचे हुए हैं, और है अपने पास ये दही फुल्की, और है आपके पास ये फल वल और छोले, और ये इसमें क्योंकि चीनी मैंने घोली, इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा मैंने डाला, बर्फ शरबत मैंने बर्फ मैंने डाली, और बाकी सब, और मैं अब घोल भी मैं ही रहा हूँ। आज और ज्यादा एकदम बढ़िया लग रही है खाने में, एकदम टेस्ट आ रहा है, क्योंकि जब अपने हाथों से मेहनत से बनती है ना तो ऐसे ही होता है ना। अम्मी को बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने कहा मेरी ज्यादा अच्छी, बट कोई नहीं, हमारी एक और वजह से ज्यादा अच्छी बनी है, क्योंकि एक हमारे जवान की थोड़ा इतनी सी मामूली सी चोट लग गई है, उसका मुंह फूल गया, ये रहा थोड़ी सी लगी है, दिखाना कहाँ लगी है तुमने, ये थोड़ा सा तेल वो हो गया इन पर, इनका मुंह फूल गया, इतना कुछ खास हुआ नहीं है तुम्हारे साथ है। तो हमने पकौड़ी अब्बा को लाना, अब्बा लो टेस्ट करके बताओ कैसी है, टेस्ट करो, मुझे पता अच्छी है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन। अब्बा ने एकदम मुंह पे टच हो गया, तो बेहतरीन कर दी, खाई भी नहीं, पेट में गई नहीं, टेस्ट भी नहीं, अब्बा ने बेहतरीन आलम भाई, ये आलम भाई मतलब भाई की बनाई टच भी नहीं हुआ, टेस्ट एकदम ईमानदारी तारीख, मैंने हाथ जला दिया तेरा, वो बात अलग है ठीक है, लेकिन एक ईमानदारी से बता कैसे भाई, खा तो ले भाई, खा ली मैंने, मम्मी को टेस्ट कराते हैं और बताते हैं, चलो मम्मी टेस्ट करके बताओ इसे, हाँ बस नो नो टेंशन, बताओ ईमानदारी बताओ, हाँ हाँ वो तो बोलोगे, मुझे मालूम है तुम बोलोगे, हाँ हाँ रहने दो, लो तुम भी एक और रिव्यू, अरे वाह यही वाला पार्ट काट दूंगा। अब मैं टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ, नहीं खाया बस, जलते हैं लोग मुझसे, कसम से बोल रहा हूँ जलते हैं, ये इतनी बेहतरीन बनी है, ये जलते हैं ये लोग, जल क्यों रहे हो मुझसे।